हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव टेक। मैं हूं मयंक। तो आपके घर में भी ऐसे नेगेटिव पल होंगे, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे देख सकते हो बिना एक रुपया खर्च करे। वो भी आपको मैं ऐसे सिंपल प्रोसेस बताऊंगा जिससे आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, ना कोई चीज़ बनाने की जरूरत है। आपके पास वो चीज़ पहले से ही होगी, आपको बस उसको यूज़ करना है। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आजकल कोई शायद से रोल वाले कैमरे यूज़ नहीं करता होगा। कोई करता होगा तो शायद उसे भी शर्म आ जाती होगी कि रोल वाले कैमरे यूज़ कर रहा है। तो आजकल के टाइम पे तो कोई शायद नेगेटिव आती भी नहीं होगी, लेकिन आपके पास बहुत सारी पुरानी नेगेटिव्स पड़ी होगी जो आपकी मेमोरी याद करने के लिए आपको देखने का मन कर रहा होगा। तो मैं आपको ऐसी सिंपल प्रोसेस बताऊंगा, उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको आपका सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए। अब मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगा, आप इसको पीसी में भी ये सेम प्रोसेस यूज़ कर सकते हो, लेकिन पीसी में आपको फोटोशॉप का होना ज़रूरी है। आप एडोबी फोटोशॉप जो बहुत फेमस है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो उसके लिए। तो आज मैं आपको इसके सबसे पहले जो करना है, आपको एक फ़ोटो क्लिक करनी है नेगेटिव की। वो जो फोटो क्लिक करनी है उसे मैं बताऊँगा कैसे करनी है। आपको जो सबसे पहले जो बैकग्राउंड चाहिए वो एकदम सिंपल क्लियर चाहिए। तो अगर आप व्हाइट पेपर यूज़ कर रहे रेगुलर, तो आप वो यूज़ मत करिए, क्योंकि उसमें टेक्सचर्स होते हैं, कुछ ब्लैक एंड डॉट्स आते हैं, तो वो सब वो पेपर यूज़ नहीं करिए। अगर आप जो मैं बोलता हूँ, जैसे कि मैं अभी यहाँ पर सिर्फ ये एलईडी लाइट यूज़ कर रहा हूँ। आप ट्यूबलाइट भी यूज़ कर सकते हो अपने। मैं आपको आपको समझ जाएगा मैं क्या करना चाहता हूँ। तो अभी मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड एकदम क्लियर है, एकदम सिंपल है। तो इसके जगह अगर आपको लाइट बॉक्स बनाना है तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप उसके लिए पेपर यूज़ मत करिए। अगर आपके पास कोई पुराने स्क्रीन का वो आपको उसमें एक पेपर होता है व्हाइट वाला का, वो यूज़ करना चाहे तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास वो नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं इस नॉर्मल वे। तो आपको बस ये करना है कि आपको बस एक एलईडी लैंप ऐसे लेना है, ऐसे ऑन करना है। तो आप ये करना है, जो नेगेटिव है उसमें से लाइट पास होनी चाहिए। तो जैसे कि ये पास हो गई, तो इधर से पास होकर आपको अपने एंड्रॉयड डिवाइस से आपके कैमरे में से ये फोटो लेनी। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी एक आपको फोटो दिख रही होगी, आपको बस ऐसी एक फोटो लेनी है। और आपको ये ध्यान रखना, आप जो इमेज ले रहे हो उसमें से पूरी लाइट निकलनी चाहिए। तो अभी मैं डोम लाइट यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको इमेज वैसी दिख रही है जैसी अभी आपने देखी थी। तो आप एक क्लियर व्हाइट लाइट भी ले सकते हो। ट्यूबलाइट ले रहे हो तो आपकी थोड़ी इमेज ऐसी बेंड हो जाएगी, लेकिन आप सिर्फ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आप ये सिर्फ खुद के पर्सनली यूज़ कर रहे हो तो एकदम अच्छा है, लेकिन अगर प्रिंटिंग ऐसे बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो उसके लिए अच्छा नहीं है। बट ये आपके खुद के पर्सनल यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको फिर अगर आपने ऐसी फोटो खींच ली, इसके बाद आपको ये करना है कि आपके जो एंड्रॉयड डिवाइस में जो एडिट ऑप्शन है उसे यूज़ करना है। तो ये नॉर्मल एडिट ऑप्शन है, आपको कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि पिक्सआर्ट, अगर पिक्सआर्ट है तो आप उसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको मैंने जैसे बोला था कोई बिना सॉफ्टवेयर के हम करेंगे। तो आपको जो एडिट ऑप्शन होता है एंड्रॉयड डिवाइस में, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो। फ्रेंड्स, आपको जैसे मेरे मोबाइल में आपको इमेज दिख रही है, आपको बस ये करना है, आपके मोबाइल में जाके यहाँ पर एक एडिट ऑप्शन होता है, आपको बस वो एडिट क्लिक करना है। एडिट करने में आपको एक फोटो एडिट मिलता है, ये आपके एंड्रॉयड डिवाइस में पहले से होता है, चाहे वो जेली बिन क्यों ना हो। तो आप बस आपको इसे क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसे क्रॉप और बाकी चीज़ें करेंगे। जैसे कि मैं इसे सबसे पहले तो मैं इसे रोटेट करूँगा, सीधी कर दूंगा इमेज। उसके बाद मैं इसे क्रॉप करूँगा, मेरे को जितनी इमेज चाहिए मैं उसमें उतनी लूँगा। जैसे कि मैं इतनी इमेज ली है, इतनी मेरे लिए काफ़ी है। तो आपको उसके बाद ये करना है, क्रॉपिंग होने के बाद आपको इसे नेगेटिव यूज़ करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके कलर्स आ गए, लेकिन अभी कलर्स ऐसे नहीं कि बहुत अट्रैक्टिव हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना है कर्व्स यूज़ करने हैं। कर्व्स यूज़ करने हैं, ये बेसिक है, आपको बस कर्व अपने हिसाब से एडजस्ट करने हैं। जैसे कि इसकी लाइट मैंने ब्लू कलर कम कर दिया, लाइट ज़्यादा कर दी है, लेकिन ये ज़्यादा हो रही है। अगर मैं इसे कम कर दूँ तो यहाँ लाइट ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे कि इमेज अब मेरे को देखने लायक हो गई, मैं तो भी थोड़ा ऊपर करूँगा इसे। तो अब बस आपको ये करना है, अब मैं इसे जाके सेव कर दूंगा, इसे अप्लाई कर दूंगा। तो आपको इधर और भी ऑप्शन मिलते हैं, अभी मेरे इतना काफ़ी मेरे लिए। तो आप इसे बाकी ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ऐसे करके आप इस इमेज को एडिट करिए। अब मैं इसे सेव कर दूंगा, तो इमेज मेरे पास आ गई है, मेरे पास अब सेव हो गए, अभी मेरे देखने लायक हो चुकी है। तो इस तरह आपको ये वीडियो एडिट करनी है। आप अपने कर्व्स वगैरह अपने अपने हिसाब से कर सकते हो। तो आपको ऐसा करना है, आपको और अच्छी इमेज करनी है और उसको करनी है, तो उसमें आप कर्व के अलावा सेचुरेशन हुए ये सब भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आपने देखा था। तो अगर आपको ये पीसी में करना है तो मैं ये बोलूँगा कि आप स्कैनर अगर यूज़ करें तो स्कैनर यूज़ मत करिए। स्कैनर का मैं जानता हूँ पीछे का बैकग्राउंड अच्छा होता है, लेकिन स्कैनर से जो इमेज क्वालिटी रहती है थोड़ी सी गिर जाती है। तो अगर आप स्कैनर यूज़ करें तो स्कैनर यूज़ मत करिए। अगर आप कैमरा यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो ठीक है,
तो आप अगर लैपटॉप में यूज़ कर रहे हो तो आपको लैपटॉप में भी सेम प्रोसेस करनी है। आपको सबसे पहले नेगेटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, नेगेटिव जो पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद आपको कलर बैलेंस करना है, मतलब आपको कर्व्स यूज़ करना है, एक्सपोजर यूज़ करना है, आपको सेम लैपटॉप में भी करना है। आपके पास अगर एडोबी फोटोशॉप है तो बहुत ईजी, क्योंकि वो आपको उसमें भी सेम इमेज ऑप्शन में जाके आपको मिल। तो इसी के साथ मेरा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ गिव अ लाइक और सब्सक्राइब टू माई चैनल। बस आपको ये जो लाल बटन है, बस आपको इसे दबाना है, आपको और कुछ भी नहीं करना है, बस ये लाल बटन दबा दीजिए। तो मैं चलता हूँ, बाय।